नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं सिर्फ सच। नक्सल प्रभावित राज्यों में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के बावजूद भी नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और एक बार फिर से नक्सलियों ने एक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया है जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल आप सभी को मनोज नेताम तो याद ही होंगे जो कि 28 अप्रैल से लापता है। इतने वक्त से मनोज नेताम की कोई भी खबर सुनने में नहीं आ रही थी, लेकिन अब नक्सलियों ने ये दावा किया है कि नक्सलियों ने लापता मनोज नेताम की हत्या कर दी है। जी हाँ, और उन्होंने एक पत्र भी जारी किया है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन नक्सली फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी बीच खबर मिली है कि 28 अप्रैल से लापता जवान मनोज नेताम की नक्सलियों ने हत्या कर दी है और अब पुलिस को वो उसका शव देने से इनकार कर रहे हैं। बता दें कि इस बारे में नक्सलियों के राजनंदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पत्र के मिलने की पुष्टि बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने की है और कहा है कि लापता जवान की तलाश जारी रखी जाएगी। बता दें कि जब भी नक्सली किसी जवान की हत्या करते हैं तो वो उसके शव को या तो मृतक के घर छोड़ देते हैं या फिर सड़क और जंगल में फेंक देते हैं। ऐसा करके नक्सली दहशत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन इस बार शव ना देने की बात पर थोड़ा सा शक किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईजी सुंदरराज पी ने ये भी कहा था कि हो सकता है कि किसी आपसी रंजिश के चलते जवान की हत्या की गई हो और अब उसे नक्सली एंगल दिया जा रहा हो, क्योंकि अगर ये पत्र फर्जी होता है तो नक्सली खुद ही कुछ दिनों में इसे नामंजूर कर देंगे। लेकिन अब खबर मिली है कि नक्सलियों ने मदनवाड़ा से रेते गांव के बीच सीता गांव मार्ग पर दो पेड़ों के बीच बैनर लगाया है जिसमें लापता जवान की मौत की सजा देने की बात लिखी हुई है और नक्सल संगठन आरकेबी डिवीजन के प्रवक्ता विकास ने पुलिस कर्मी मनोज नेताम की हत्या की जिम्मेदारी ली है और एक लेटर भी जारी किया है। बता दें कि कांकेर जिले के कोडे कुर्सी थाना में तैनात सहायक आरक्षक मनोज नेताम 28 अप्रैल को ड्यूटी खत्म होने के बाद से लापता है और दो दिन बाद उनकी बाइक कोडे कुर्सी इलाके के भुखरे गांव के पास मिली थी। इसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चल सका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही जानकारी और खबरों के साथ। तब तक लिए आप बने रहिए सिर्फ हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार।